जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाते हैं तो उन्हें धक्के भी देते हैं। दुष्यंत ने मुख्यमंत्री के मिशन 75A पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 दिन के अंदर बीजेपी को 47 से 4 पर फिर से लाएंगे। मुख्यमंत्री के 5 साल में 67,000 नौकरी के दावे पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा कि डी ग्रुप की 18,000 नौकरी के लिए ही 18 लाख युवा आवेदन करते हैं। इसी से पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी है। आज ये कार्यकर्ता मीटिंग बुलाने के पीछे मकसद क्या है? जिला वाइज जाकर लोकसभा के परिणाम के बाद जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को दोबारा मैदान में उतारने का समय आ चुका है, पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में 3 निर्णय लिए गए थे, जिनके अंदर पहला रोजगार मेरा अधिकार था, दूसरा वृद्धावस्था पेंशन की जो उम्र घटानी है उसके लिए लोगों के बीच में जाना था, और तीसरा और प्राथमिक तौर पर जो कर्ज माफ़ी की बात है उसके ऊपर एक ग्राउंड लेवल सर्वे करवाने की बात है। आज वही कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि हमारे पास 100 दिन का लक्ष्य है और 100 दिन में एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरकर उस पर काम करे और पूरी निष्ठा के साथ संगठन को दोबारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत करे। और आज यही तमाम साथियों को विनती करी है कि बूथ लेवल पर जब तक हम जाएंगे नहीं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई 75 की बात कर रहा है, कोई 70 की बात कर रहा है, मैं तो इतिहास से जानता हूँ 1984 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी केवल मात्र सोनीपत में अपनी जमानत बचा पाए थे, लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल अब राजनीति से संन्यास लेंगे, उन्हें मेहनत करनी नहीं छोड़ी। और 87 के अंदर उसी कांग्रेस को जिसके केंद्र में 432 सांसद थे 5 विधायकों पर लाने का काम किया, ये तो 303 है, थोड़ा सा कार्यकर्ता मेहनत करेंगे इनको हम 4 पे लाने का काम कर देंगे। आप बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों के अंदर 67,000 लोगों को नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री डाटा पब्लिक करें और उसके साथ ये भी बताने का काम करें कितनों को डीसी रेट पे लगाया है, कितने रिटायर हुए हैं, कितनी पोस्ट और वेकेंट हुई। मुख्यमंत्री बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, उनकी संघ की ट्रेनिंग है, चिपटी चुपटी बातें करने का उनको शौक़ है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से ग्रुप डी की नौकरी निकली थी, 17,000 नौकरी के लिए अगर 18 लाख आवेदन आए तो बेरोजगारी किस चरम पर है, इसका जवाब मुझे नहीं मुख्यमंत्री को देना चाहिए। दूसरा कि 75 का नारा इस बार दिया, आपकी बार 75 पार, आप क्या कहेंगे इस? 4 से 47 आए थे, 4 पे लाकर छोड़ देंगे, इतनी मेहनत कर देंगे कि जहाँ वो 75 के सपने ले रहे शायद वो 75 अपने सपने में ही पूरा करने का काम करें। वो तो कार्यकर्ताओं को फूल बरसा रहे हैं, उनका स्वागत और धक्के भी दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर, समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए यस टीवी।